तो गाइस स्टेट बैंक की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें दो नंबर दिए गए हैं। दोनों नंबर में से स्टेट बैंक वालों ने ये बोला है कि आप लोग के पास अगर इस नंबर से कॉल आता है, एसएमएस आता है या फिर किसी भी तरीके का कोई मैसेज आपके पास आता है तो आप लोग इग्नोर करें। ये गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आप लोग को एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि ये दोनों नंबर कौन से हैं और किस तरीके से आपके सामने दस्तक दे सकते हैं। तो गाइस एक्चुअली में ये सबसे पहले ट्वीट आया था CIDSM की तरफ से, उन्होंने इन दोनों नंबर के देते दिखाते हुए मतलब ट्वीट करते हुए कस्टमर को ये आग्रह किया कि आप लोग के पास अगर कोई भी कॉल आता है इस नंबर के जरिए, इन दोनों नंबर के जरिए, तो आप लोग इन दोनों नंबर्स को इग्नोर करें, ठीक है। आप लोग कॉल रिसीव ना करें या फिर कॉल कट कर दें, ठीक है। आप लोग इस कॉल को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो इसी ट्वीट को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रीट्वीट करते हुए उन्होंने दो तीन चीज़ें और भी ऐड कर दिया, जैसे कि उन्होंने ये भी बोला कि अगर कॉल आता है तो उसमें कॉल में किसी भी तरीके का कुछ भी बोला जा सकता है। जैसे कि कॉल पर वो लोग बोलेंगे कि आप लोग का KYC अपडेट नहीं है बैंक में, तो आप लोग KYC अपडेट करने के लिए OTP वगैरह बताइए, या फिर कोई और सिस्टम वो लोग अपनाएंगे जिससे कि आप लोग के अकाउंट से पैसा खाली हो सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कॉल रिसीव नहीं करना है। वो दोनों नंबर कौन से हैं मैं आप लोग को अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर गाइस कोई लिंक शेयर करता है, फिशिंग लिंक अगर मान लीजिए कोई शेयर करता है, तो आप लोग को उसे भी इग्नोर करना है। आप लोग को बिल्कुल भी इसमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर कॉल भी आता है तो भी आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए दोनों नंबर जो है गाइस ये कैसे पता चला, कैसे मिला, तो गाइस ये दोनों नंबर जो है गाइस काफ़ी लोगों के साथ स्कैम कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को लूट रहे होंगे। तो ऐसे में जब लोगों ने शिकायत किया तो गाइस वहाँ से जो CIDSM है, ठीक है, उन्होंने जो जानकारी कलेक्ट करने का मतलब ये है कि उन लोगों ने छानबीन किया, चेकआउट किया, तो इन दोनों नंबर को पाया गया उनके जरिए, ठीक है, स्कैमर्स के नंबर, ठीक है। तो उन्होंने इसे ट्विटर पर ट्वीट करते हुए बताया कि आइंदा से किसी को भी कोई भी मतलब अगर इस नंबर से इन दोनों नंबर से अगर कॉल वगैरह आता है तो आप लोग इस कॉल को जो है इग्नोर करें, ठीक है। तो देखिए गाइस ये बिल्कुल सही चीज़ है, आप लोग को इसमें ध्यान देना है। आप लोग को बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, अगर मान लीजिए कॉल आता है या फिर कोई भी मैसेज आता है तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के समय में तो आप लोग को पता होगा कि कितना ज़्यादा डिजिटल जो दुनिया हो चुका है, ठीक है। ऐसे में देखिए जितना ज़्यादा अगर आप तरक्की करेंगे उतना ज़्यादा ये जो साइबर मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर आप लोग को भी ध्यान देना होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोग इसी तरीके से बढ़ते रहोगे और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दोगे तो आप लोग का बैंक अकाउंट वगैरह भी खाली हो सकता है। तो आप लोग को मैंने नंबर यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर नंबर देख लीजिएगा। इस नंबर से अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी तरीके से कोई भी कॉल आता है गाइस, तो आप लोग इसे बिल्कुल इग्नोर करें और आप लोग ना ही कॉल रिसीव करें, ना ही इनके द्वारा भेजे गए किसी SMS को, मैसेज को आप लोग क्लिक करें लिंक के ऊपर। यहाँ तक कि नहीं इसी नंबर से नहीं गाइस, अगर मान लीजिए किसी भी और नंबर से भी अगर आपके पास SMS आता है, मैसेज आता है, लिंक आता है मैसेज में, तो आप लोग को उस लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में एक बहुत ही मतलब बेकार से चल रहा है जिसमें यह लिख करके चला आता है कि इस खुशी पर जियो ने दिया 1 महीने का ऑफर, 2 महीने का ऑफर, 2 महीना फ्री डेटा आते, बस बिल्कुल इन सब चीज़ों के चक्कर में आप लोग को नहीं पड़ना है, क्योंकि ये फिशिंग लिंक हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होगा ही, ठीक है, ये हो सकते हैं, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।